ये बड़ा वाला स्नो कटर है जिसको सीसी हेलो अमन से हेलो बोलो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं चाइना के चांगचुन सिटी में बहुत जोरों शोर से स्नोफॉल हो रहा है और वहीं पे दोस्तों आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एक लाइन लगी हुई है क्योंकि स्नोफॉल और कोरोना एक साथ ही आगे है भाई। इस बार आप देख सकते हैं बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, ये सब जो कोरोना टेस्ट करा रहे हैं। डॉक्टर आगे बैठा है यार, स्नोफॉल में भी कोरोना टेस्ट कर रहा है वो, यहाँ पे आके कोरोना टेस्ट करवा के बाकी लोग तो चले जाएंगे लेकिन वो डॉक्टर पूरा दिन यहाँ बैठा हुआ है। सैल्यूट है यार डॉक्टर्स को, कहीं के भी हों डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं, भगवान का दूसरा रूप माना जाता है इनको। तो हमारे यहाँ पे पूरी पूरे चांगचुन में आप देख सकते हैं बहुत एक ख़तरनाक वाला स्नोफॉल हो रहा है और मैं और अमन जो है यहाँ पे बैठ के दोनों स्नोफॉल का आनंद उठा रहे हैं। कुछ देर बाद मैं भी नीचे जाने की सोच रहा हूँ, अगर मैं नीचे गया तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। आज आप वीडियो को पूरा देख लें दोस्तों। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाय से हाय हाय। अमन ने आज फर्स्ट टाइम कैमरे पे हाय बोला है। सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को जो है एंड तक देखना है और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स लिख के जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन को प्रेस करना है, उसी से आपको जो मेरी सारी नई वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलेंगे। वाओ गाइस आप लोग देख सकते हैं लाइन जो है लंबी होती जा रही है और आज तो 3-4 दिन हो गए स्नोफॉल होते हुए। देखो अमन पता कितना, अमन पता सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरता है, जब उसकी मम्मी यहाँ पे ना पानी फेंकती है और वाइपर लगाती है, अच्छा खासा चल लेता है लेकिन सबसे ज़्यादा डरता है जब पानी फेंका जाता है, हम वाइपर मारते हैं तो ये खड़ा नहीं होता है, इसको पता गिरता है, पैर स्लिप होता है, तो वो डर डर के चलता है। किस किस को बर्फ के साथ खेलना पसंद है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वाह भाई साहब, मेरे वीचैट पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेज आ रहे हैं। सो गाइज जब से मैंने कश्मीर फाइल जो फिल्म बनी उसके ऊपर बोला है ना, तब से लेके मुझे इतने सारे लोगों को मैसेज आ रहे हैं कि भैया ये इसके बारे में मत बोलो, आप कुछ भी बोलो लेकिन कश्मीर के बारे में मत बोलो। मतलब कश्मीर की मूवी को, जो कश्मीर का सच है उसको सच बोलने से रोकने के लिए बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं ना कितना बड़ा गैंग काम कर रहा है इस मूवी को रोकने के लिए। तो गाइज मैं रेडी हो रहा हूँ कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए क्योंकि हमारी सोसाइटी के नीचे कोरोना का टेस्ट चल रहा है। योगिता अभी कोरोना टेस्ट करा के आ चुकी है, मैं भी अपना इंडियन पासपोर्ट लेके जा रहा हूँ कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए। ये देखिए गाइस, ये सभी जो है कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए जा रहे हैं। स्नोफॉल आप देख सकते हैं आज बहुत जोर से बर्फबारी यहाँ पे हो रही है। मैं 4 साल से चाइना की चांगचुन सिटी में हूँ दोस्तों, आज पहली बार मुझे इतनी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे देखने को मिली है। लगातार 4 दिनों से यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है। अच्छा यहाँ पे ऐसे जाना अलाउड नहीं है, ये सब कोरोना टेस्ट के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। ये डॉक्टर्स के लिए सल्यूट है, ये डॉक्टर्स सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं। सो मेरे दोस्तों आप लोगों की डिमांड थी, कमेंट में लिखा था कि रवि भाई नीचे जाके ब्लॉग बनाओ, तो भाई मैं नीचे आ चुका हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये सारे लोग जो है कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए जा रहे हैं। ये अलग अलग बिल्डिंग्स का है, जो इस बिल्डिंग के लोग हैं वो यहाँ पर कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं लेफ्ट साइड पे, और जो हमारी ये वाली बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग के जो लोग हैं वो नीचे आके यहाँ पे कोरोना टेस्ट करवाएंगे। आईडी कार्ड लेके आना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं फॉरनर हूँ, चाइना का सिटीजनशिप नहीं हूँ। मेरे पास इंडिया का पासपोर्ट है, आप देख सकते हैं, इससे साबित होता है कि मेरी नागरिकता जो है वो भारतीय है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोल देते हैं कि अरे यार आप चाइना में हो, आप तो चाइनीज़ हो गए हो। लेकिन भाई देख लो आप, हमारे पास इंडिया का पासपोर्ट है, उसी से हमारा काम चलता है और मुझे प्राउड है कि मैं इंडियन हूँ। और जो बर्फबारी हो रही है दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है देख के, वाओ यार सो ब्यूटीफुल। सो दोस्तों मतलब बहुत ही अच्छा दृश्य है आज, आप देख सकते हैं ये जो बर्फ है आप इसके साथ खेल सकते हैं।
ये चाइना का नॉर्थ पार्ट है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी यहाँ पे होती है। टेम्परेचर आज तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे विंटर में टेम्परेचर जो है -30 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ पे इन्होंने एक पट्टी सी लगाई हुई है कि आप डायरेक्ट नहीं आ सकते, सबको यहीं से घूम के आना पड़ेगा और यहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा। सो गाइज, एक हफ्ते के अंदर ये हमारा तीसरा कोरोना टेस्ट है। इसके बाद एक बार फिर से टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि इस सोसाइटी में कोरोना है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो चाइना का रेजिडेंस होता है, जो चाइना की आईडी कार्ड होती है, उसको उसके पास एक क्यूआर कोड होता है, लेकिन जो फॉरेनर्स होते हैं वो अपना पासपोर्ट दिखा के ही कोरोना टेस्ट करवाते हैं। और यार ये आप देख सकते हैं जो गार्बेज बॉक्स हैं उनकी क्या हालत है, बट दृश्य काफ़ी सुंदर है। आई होप इतनी ठंड में वीडियो बनाने के लिए आया हूँ भाई, आप एक लाइक तो करेंगे ही करेंगे। ये सामने वाली बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, 14th फ्लोर पर रहता हूँ। आपको क्या लगता है इस बिल्डिंग के अंदर कितने फ्लोर होंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। एक्चुअली चाइना की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, जो आस पड़ोस के सारे हॉस्पिटल्स जो हैं बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इसलिए ये डॉक्टर्स जो हैं सुबह से अब तक जो है कोरोना के टेस्ट ऐसे ही कर रहे हैं, बर्फ में। बहुत सीरियस लेते हैं भाई अपने काम को। ये देखो भाई, इनको थोड़ा इंग्लिश करने इंग्लिश में दिक्कत होती है। मेरा नाम टाइप कर रहे हैं, मेरा पासपोर्ट नंबर ऐड करेंगे इसके अंदर। सोची हो या उलिंग और लियो खुजा हो M72। भाई चाइनीज़ आती है, अगर आपको चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज आती है तो आपके सारे काम बहुत इजी हो जाते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है। चलो जी, मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब जो है सिर्फ कोरोना का एक टेस्ट करवाना है। और दो या उसे लिंग यार, और या उसे लिंग तो है। ओ शीशे यार, शीशे चल लो। है ना मां नहीं हो ला है ही चला। शीशे शीशे। सो गाइस, मैं इतनी आसानी से जो है घर पे जाने वाला नहीं हूं। एक चीज और दिखाता हूं आपको, स्नो कटर। यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देखो दोस्तों, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। अभी एक स्नो कटर दिखाता हूँ, जो कि बर्फ़ पड़ती रहती है लेकिन लोगों को परेशानी ना हो, इतनी सी भी परेशानी ना हो, इसलिए स्नो कटर से ये जो है बर्फ़ को साफ करते रहते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे स्नो कटर द्वारा जो है बर्फ़ को कंटिन्यू साफ किया जाता है। ये स्नो कटर सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। भाई पुलिस की गाड़ी यहाँ पे हमेशा खड़ी रहती है, ये देखो सोसाइटी के अंदर। सो गाइस, किस किस को बर्फ के साथ खेलना पसंद है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि मेरे जैसे भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। किस किस को बर्फ में खेलना पसंद है कमेंट में लिख के जरूर बताना। और ये देखिए, यहाँ पे जो है शिमला कुल्लू मनाली वाला एक माहौल सा तैयार हो गया है। वाह, सो गाइज, मैं बाहर आया था कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए, तो वहाँ पे स्नोफॉल भी हो गया।
अभी क्या है ना, इस बार जो कोरोना और स्नोफॉल दोनों एक साथ ही वापस आ गए हैं, ठीक है। वैसे मार्च के महीने में कहाँ बर्फ़ पड़ती है, लेकिन ये चाइना का नॉर्थ पार्ट है, यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है, ओले भी पड़ते हैं, ठंड भी पड़ती है और कोरोना भी पड़ता है, सब कुछ एक साथ ही पड़ गया और काम धंधा भी ठप हो गया, ठीक है जी। सो मेरे दोस्तों देखो, मैंने कुछ देर के लिए यहाँ पे अपना छाता रखा था और इसकी हालत आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यार, बहुत मतलब अच्छा लगता है। ये देखो छाता कुछ ही सेकंड रखा, बर्फ इतनी ज़्यादा बर्फ इसके ऊपर आ गई है। झाड़ देता हूँ छाते को, ये देखिए पेड़ों के ऊपर बिल्कुल चांदी चांदी हो गया है। दोस्तों आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टेप बने हुए हैं, ठीक है, लकड़ी के, उसके अंदर ना इन्होंने और पहले से ही यहाँ पे लाइट डाल के रखी है, ठीक है। रात के टाइम पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये जब लाइट जलती है तो ये बर्फ़ पड़ी है, बिल्कुल सॉफ्ट बर्फ, जब ये लाइट जलेगी तो बहुत प्यारा एक दृश्य हो जाता है यहाँ का। बर्फ़ जो है ऑलमोस्ट 3-4 इंच तक पहुँच चुकी है, अगर आज पूरी रात बर्फ़ पड़ती रही तो आई थिंक ये जो है 5-6 इंच तक पहुंच जाएगी। अभी मैंने मास्क जो है इसलिए निकाल के रखा है क्योंकि इस सोसाइटी में नीचे कोई भी नहीं है भाई, सब अपने अपने घरों में घुसे पड़े हैं, बिस्तर में लेटे पड़े हैं, पहली बात कोरोना के डर से, दूसरी बात बर्फ़ पड़ रही है उसके डर से। भाई छाता भी इतना भारी हो गया ना, इसे 5-6 किलो का हो गया, पता लोग भी सोच रहे होंगे मतलब क्या बंदरों वाली हरकतें हैं, पर क्या करें दोस्तों, खुश रहना ज़िंदगी में तो ऐसा सब चलना चाहिए लाइफ में। अगर दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है ये भी हम सोचेंगे तो दुनिया क्या सोचेगी, तो ये सही कहा किसी ने, अपनी लाइफ को अपने तरीके से इंजॉय करो, आपकी लाइफ है, आपके रूल्स हैं, सब कुछ आपका है, तो आप अपने हिसाब से उसको इंजॉय करो, किसी की परवाह ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे देखो ये पट्टियाँ से लगा दिया है ताकि बच्चों को अंदर खेलने के लिए ना भेजा जाए, जब कोरोना ठीक हो जाएगा उसके बाद ही बच्चे घूम सकते हैं। सो आई होप मेरे दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, मैंने इतनी मेहनत की है, हाथ भी लाल हो गए, ठीक है, एक लाइक जरूर हो जाना चाहिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले, ठीक है। वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड सब जगह शेयर करो, इतना तो कर ही सकते हो, सब फ्री है भाई आप लोगों के लिए। ये देखिए मेरे दोस्तों, आप बोलोगे रवि भाई ये फूल क्यों तोड़ रहे हो, फूल टूट ही नहीं रहे, टूट गया ये ऐसे फूल है भाई, इसको टूटना नहीं कहते इसको। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये नकली फूल है, सारे नकली फूल हैं, ये चिपकाए गए हैं, तारों से बांधे गए हैं, देखो आप ध्यान से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चाइना में जो है नॉर्थ पार्ट में -30 डिग्री से -40 डिग्री 45 डिग्री तक ठंड हो जाती है, ये रशिया के पास में पड़ता है ये वाला एरिया। तो पता क्या होता है यहाँ ना, जब भी आप बाहर घूमने के लिए जाओगे चिड़चिड़ापन सा महसूस होता है क्योंकि जो ये आस पड़ोस की सारी जितनी भी स्टेट है सब सूखे पड़ जाते हैं ठंड की वजह से, इसलिए पेड़ों के ऊपर ना फूल लगाते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये सारे फूल जो नकली हैं, प्लास्टिक के हैं, चिपकाए गए हैं ताकि थोड़ी बहुत सोसाइटियों के अंदर ऐसे हरियाली सी बनी रहे, है ना, नहीं तो बहुत गंदा सा महसूस होता है। वाओ यार ये वाला व्यू शूट कर लेता हूँ, बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। ये देखिए दोस्तों आज की वीडियो में कसम से सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है, प्लीज़ सपोर्ट फुल करना, आप लोग तो ऐसा महसूस करो कि आप घर पे बेड पे बैठे हो लेकिन घूम मेरे साथ ही रहे हो सूक्ष्म रूप से बस भाई अभी मैं भी घर चला जाऊँगा, अदरवाइज़ जो है ना बीमार पड़ गया तो फिर बहुत ठंड लग रही है, अब मैं भी घर ही जा रहा हूँ। ये देखिए कुछ कुछ पेड़ों के ऊपर इन्होंने ये नकली फूल लगा के रखे हैं तो थोड़ा देखने में अच्छा सा लगता है, अदरवाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का हो जाता है यहाँ पे, सूखा बिल्कुल सूखा 7 से 8 महीने के लिए ठंड रहती है, कोई फूल पत्ते नहीं आएंगे इनके ऊपर। तो गाइस मैं भाग के चाहता हूँ, एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आपको, देखते अगर मैं वहाँ पर पहुँच गया पहले तो स्नो कटर कैसे काम करता है आपको देखने को मिलेगा। वाओ ये बड़ा वाला स्नो कटर है जिसके आगे ब्रश लगा रहता है,
सो दोस्तों मैं अभी घर पे पहुंच के आप लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी तो हाथ में ये छाता और कैमरा पकड़ा नहीं जा रहा है। वाह, यहाँ से देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों, नीचे की तरफ। सो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ घर पे और अपने कपड़े वपड़े चेंज कर रहा हूँ। और ये हमारा स्टोर रूम है। अमन दूसरी साइड पे सो रहा है, योगिता बाहर मूवी देख रही है। मतलब अमन को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं अपने स्टोर रूम पे आ गया हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी और कहाँ से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो भी जरूर बताएं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी की। नमस्कार।